कारण की ओर जा रही है। तो ऐसे हालत में हम सभी स्टेट के प्रेसिडेंट से कहना चाहते हैं, सभी जिलों के प्रेसिडेंट से कहना चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जिलों में आंदोलन करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, ट्वीट करो और साथ साथ अभी मीडिया से लड़ो। और सभी चीजों का अगर नहीं करोगे तो कल के दिन आपके बाल बच्चों का भविष्य खराब होने वाला है। भाइयों, मैं झारखंड की हजारीबाग से हूँ, जहाँ एक जमाने में यशवंत सिन्हा वहाँ के एमपी हुआ करते थे और फाइनेंस मिनिस्टर हुए थे, और जिन्होंने सरकारी नौकरियों को खत्म किया, बैंक की नौकरियों को खत्म किया, उसको हम लोगों ने हराया था 2004 में। भाइयों, अभी दो शब्द बड़े जोर से बोले जय भीम का नारा हम लोग लगा दें, लेकिन वो शक्ति नहीं मिल रही है। मैं कहना चाहता हूं भाइयों, जय भीम के साथ इंकलाब का भी नारा लगाओ और तब देखो समाज में परिवर्तन होगा। इंकलाब के नाम में परिवर्तन होता है, और जब तक समाज में लड़ोगे नहीं, इसलिए भी गलत खिलाफ लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं बोलना चाहता हूं सब हो गए, क्या आपके बाल बच्चे जवान हो रहे, नौकरी पा रहे और सरकार निजीकरण की ओर जा रही है। तो ऐसे हालत में हम सभी स्टेट के प्रेसिडेंट से कहना चाहते हैं, सभी जिलों के प्रेसिडेंट से कहना चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जिलों में आंदोलन करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, ट्वीट करो और साथ साथ अभी मीडिया से लड़ो। और तभी चीजों का अगर नहीं करोगे तो कल के दिन आपके बाल बच्चों का भविष्य खराब होने वाला है। भाइयों, मेरी बात अगर लग रही है, सोचो आप, हम सभी नौकरी कर रहे हैं, मैं भी नौकरी कर रहा, क्या होगा मेरा बेटा का, सरकारी नौकरी नहीं है। अभी एमपीएस की बात कर रहे थे, वो मुझे अच्छी पेंशन खत्म और निजीकरण, ये सारा प्रॉब्लम है। पैसा नहीं है भूख को पेट को मिलाने के लिए लोग क्या से क्या नहीं करती, ये भूख है। तो भाइयों, मैंने अलग अलग सभी स्टेट से आए, मैं कहा कि भीम के साथ इनकलाब आंदोलन, जब ये मिलेगा तो जाएगा और हमारी एकता मजबूत होगी। शब्दों के साथ क्रांतिकारी अभिनंदन में करता हूं, मैं अपने कास्ट में अंसारी हूं, पेटवन मुस्लिम हूं और मैं पूरे झारखंड स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूं, लेकिन इंकलाबी लड़का हूं। 22 मुकदमे मेरे पर हुए, कभी डरा नहीं, बहुत बड़े अरेस्ट हुआ, छोड़ा केस लड़े, डरे नहीं। तो लड़ना सीखो, कैसे हाथ अपने लोगे, बोलो लड़के लेंगे लड़के लेंगे, कैसे अपना हक लोगे भाइयों, कैसे अपना हक लेंगे भाइयों। जब मनी कुमार लड़े एमपीएस के लिए, लड़के मिल सकता है, और जो कुछ मिला है आपको वो लड़के ही मिला। और डॉक्टर अम्बेडकर उस जमाने में लड़ते थे जब 15-16 साल की उम्र थी, जब उनको जमीन पर बैठा दिया गया, वकील के यहां नौकरी करने गए, कहा बैठो जमीन पर, तुम अछूत हो। तो उन्होंने अपने पुत्र ही से आपकी लाभ और दिया, उसको अगर कायम रखना चाहता हूं।